बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब की कल आपसे मैं वेब्स पर बात की थी। इस समय वैज्ञानिक बहुत मत्था मार रहे हैं और उसमें उलझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसमें वो कार्य करने की क्षमता, मनुष्य का मस्तिष्क कैसा है, आगे ह्यूमन बॉडी से भी ज्यादा काम करने की विचार कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं वो सब्जेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। पर ठीक है, काम चलाने के लिए, भौतिक चीजों के लिए, आखिर इसको इस्टेब्लिश किसने किया? मनुष्य ने ही तो किया ना। तो बंधु, वेब्स पर मैंने कल आपसे काफी गहराई में बात की, आज पुनः वहीं से चलूंगा। ये तरंगे, साहब ने एक बात बड़ी खूब कह दी, मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरा संसार मन की तरंगों में काम करता है। मन कैसे काम कर रहा है? तरंगों द्वारा काम कर रहा है। मन तरंगों द्वारा पूरा काम कर रहा है। वो तरंगे आपके अंतःकरण तक पहुंचती है और आदमी उन तरंगों को फॉलो करता है। किसी हीरे को अगर आप कीचड़ में रख देंगे, उसकी चमक दब जाती है, खत्म नहीं होती। मनुष्य के अंदर बड़ी क्षमता है, आत्म क्षमताएं तो बहुत बड़ी है। न्यूटन ने तो यहां कह दिया, मनुष्य सिर्फ 8% अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 8% आत्मा तो बहुत दूर की बात हो गई ना। वैज्ञानिक लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर साइंस का विरोधी नहीं, उसने तो बहुत काम किए। हमारे भौतिक संचालन के लिए बड़े अच्छे सिस्टम है, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें आत्म की शक्तियों को जगाना होगा। अध्यात्म ज्ञान के बिना इंसान चाहे कितनी भी बुलंदियों को प्राप्त कर ले, हीन है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। उसे को जानने के बाद अभीष्ट जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। आप देखते हैं, मैंने कल एक एग्जांपल दिया, पानी की एक बूंद जब हम समुद्र में डालते हैं, विद इन माइक्रोसेकेंड वो पूरे समुद्र में फैल जाती है, क्योंकि कनेक्टेड है। बस वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ही तरंगों का समावेशन किया। कभी कभी आप देखिए, पद्धतियां बनी हैं, जो नहीं जानता है उन पद्धतियों को खंडित करता है। हम सब सामूहिक प्रार्थना करते हैं, मानव सभी धर्मों में प्रेयर करते हैं। अभिप्राय क्या है? वो प्रार्थना हम ईश्वर तक पहुंचाते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती है? सडनली, बिल्कुल, अगर आपका हृदय शुद्ध है पहुंचते हैं। उनमें से वो किन प्रार्थनाओं पर गौर करता है जो गौर करने योग्य है? आपको मैं उदाहरण देता हूं, मेरे पास काफी चिट्ठियां आती है, मैं चिट्ठियों को साथ लेता हूं, पढ़ता हूं, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता हूं, व्यंग दृष्टि से चिट्ठी को पढ़ता हूं। उसमें फिर मैं देखता हूं जो अति आवश्यक है उनका उत्तर देता हूं। इसी तरह मेरे पास काफी कॉल आते हैं, बहुत। अगर मैं सब कॉल अटेंड करूं तो फिर मैं बाकी कुछ काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए उसमें देखता हूं जो बहुत वेरिएबल है, बहुत आवश्यक है, केवल मैं उनको फिर बैक कॉल करता हूं। कुछ तो अपनी समस्याएं मुझे लिखते हैं
और कहते हैं कि इनके निदान का हमें सूत्र दो। गलती क्या करते हैं, ना अपना पता लिखते हैं ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं। अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनका सहयोग दूं कुछ। इसी तरह धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं, धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाऊ। कभी कभी कुछ लोग गफलत में हैं, जिनको इस सूक्ष्म ज्ञान का पता नहीं है, वो कहते हैं भगवान कौन सी सुन रहा है। वो सुनता है सब घट व्यापक साइया सुनी सेज न कोई, बलहारी वा घट की जागट प्रगट हो। सवाल ये है कि आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए। वो प्रभु तो हमेशा आपके साथ है, आपको एक हाथ से अपनी तरफ उसका हाथ पड़ा हुआ है। ईसा मसीह जी ने भी एक बात कही है, प्रभु का हाथ हमेशा तुम्हारी तरफ यूं बड़ा हुआ है, तुम्हें फुर्सत नहीं है। इसी बात को साहब भी कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन करूं उपाय। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन करूं उपाय, मैं खींचूं सतलोक को ये बांधा जम पुर जाए। काल का जीव माने नहीं, वाह नहीं मान, मैं खींचूं सतलोक को, यानी विलंब जो है वो प्रभु की तरफ से नहीं है। दूसरी बात, साहब के शब्दों में कितना वजन है। आपसे दूरी नहीं है, एक बूंद पानी में गिरते ही पूरे समुद्र में मिल गई। इस तरह आपके सूत्र और सत्ता से पूरे जुड़े हुए हैं। आप सत्ते में आएंगे जब प्रभु हमारे साथ है। ये विपत्तियां क्यों हैं आप देखें, सात समुद्र पार आपका कोई प्रेय बैठा है, आपको कॉल करता है, विद इन नो टाइम आप तक आवाज पहुंचती है। और यही बात उसका पूरा दृश्य छवि भी आपके पास आ जाती है, कनेक्टेड है। अब यहां एक चीज की साहब पुष्टि कर रहे हैं, तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपने कई शब्दों में किया, यानी आपके साथ है। साथ कैसे है वो समझिएगा। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, पहले ट्रंक कॉल करते थे विदेशों के लिए, पहली बात तो बड़ी देर तक। उसके बाद क्या होता था, कभी कभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। अभी सैटेलाइट सिस्टम के कारण से आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट के माध्यम से वो आपके लिए बड़ा इजी हो गया। साहब भी कह रहे हैं, मैं कुंजी बताए दूं तुम्हें ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहेब मिलन की। आगे क्या कह रहे हैं, जो तिल माही तेल है, वाह तिल तिलों से तिल भिन्न नहीं है, समाहित है उसमें। जो चकमक में आग, आग चकमक से अलग नहीं है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जरूर आपके अंदर एक ख्याल आएगा कि अभी कभी कभी आप वाणी में सत्संग में व्याख्या देते हैं कि असंख्य मील दूर है,
और कभी कभी फिर आप कह रहे हैं कि हैं प्रगट पर दिसत नहीं, थोड़ा सा शंकाओं की उत्पत्ति होती है। आप देखें ना, एक सिस्टम विज्ञान को निजात किया जिसके कारण से आप सात समुद्र पार बैठे हुए आदमी को अपने सामने देखते हैं। अभी ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरे अब्रॉड में मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको बीच में एक सूचना देता हूं। किसी ने हमारा चैनल चलाया, जो मेरे पूरे प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो डाउनलोड कर लेता है, प्रोफाइल भी मेरी है। उस आदमी को ये पता नहीं कितना अपराध है। अब हम साइबर क्राइम में जाएंगे, उनको छांटेंगे, उसको राइट नहीं है ये, क्योंकि हम यूट्यूब में इलीगल नहीं है। उन्होंने हमसे पूरे डॉक्यूमेंट लिए, किस अथॉरिटी से बात कर रहे लिए, ये फैक्ट टाइप के काफ़ी न्यूज़ है, उस पर कार्रवाई कराएंगे। पहले मैं उसको आगाह करना चाहता हूँ कि वो रिमूव हो जाए वहाँ से, अन्यथा वो एक अपराध में आ जाएगा, FIR हो जाएगी, फिर पुलिस उनको पकड़ेगी। और साइबर क्राइम जान जाता है कि कहाँ से है, कौन है। ऐसे कई लोगों को हमने पकड़वाया अभी है। ये सब लालच के कारण से करते हैं, क्योंकि हमारी विवृति काफ़ी है, इससे वो फिर गूगल से पैसा लेते हैं। आप ये देखें, वो ये चैनल है, इसमें मटेरियल पूरा हमारा है और मेरे पूरे प्रोग्राम है। इनको राइट कह रहा है, सब्सक्राइब करो इसको। मैंने ये फेक चैनल्स है। अब ये साहेबंदगी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है जो हमारी जैसी है, ये चोरी है एक। आप ऐसे चैनलों से बचें। और ये छेड़ाछाड़ी आजकल बहुत कर रहे हैं, खास तौर पर जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियरिंग से वाकिफ हैं वो करते हैं। पर वो क्या सोचते हैं, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो गफलत में है। साइबर क्राइम ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। पहले क्या था, पता ही नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है। अब इनके पास काफ़ी राइट्स है, ये पूरा ढूंढ लेते वो पॉइंट भी। मैं उनको नहीं डरा रहा हूँ, ऐसे हमने कई लोगों को पकड़वाया। तो बंधु, आप इससे सतर्क रहना। आप कॉपीराइट एक्ट के अनुसार भी किसी का पूरा मटेरियल नहीं ले सकते, ठीक है, ये अपराध है। तो इस तरह से सात समुद्र पार आदमी बैठा है। अब क्या होगा, मैंने ये हिदायत दी, अब वो क्या करेगा आदमी, इतना मेरा ये वर्ड एडिटिंग कर देगा, हटा देगा, और आज का प्रोग्राम भी वो देगा उसमें। उसने देखा काफ़ी व्यूरिटी है इनकी। मेरा एक गीत गुरु खेवा हमरी नैया करीब 6 लाख लोगों ने देखा है। ये ऑफर मुझे गूगल की तरफ से भी मिला, मैंने आपको नेट पर भी दिखाया, मैंने मंजूर नहीं किया। इसकी वजह है कि बीच में फिर एड देंगे ये, जब एड देंगे तो पूरा आदमी का कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा, आप देखना जिस भी प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम के साथ एड आती है बीच में या पहले, वो फेक न्यूज़ है, आप उसको वहीं क्लोज कर देना। तो बन्नो, अब साहब क्या कह रहे हैं, प्रगट पर जानत नहीं, क्योंकि कनेक्टेड है हम उससे। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, माँ का एक कनेक्शन बेटे के साथ हमेशा रहता है। बेटा चाहे कहीं भी है, अमेरिका में है, संकट में आता है माँ को खबर मिल जाती है, क्योंकि कनेक्टेड है उनका स्नायु मंडल। माँ के अंदर वो वेब्स आने लगती है, फिर वो थोड़ी सी घबराती कहती भी है, ऐसा लगता है कि ये बेटा इस समय संकट में है। पर दूसरे उसको कहते हैं, ये तेरी अपनी इच्छा है, नहीं ये सच है।
इसी तरह गुरु भी कनेक्टेड है। साहब ने ऐसे ही कह दिया कि गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते हैं। आपके साथ में वो ताकत नामदान के बाद एसोसिएट हो चुकी है, लिंक्ड है। साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते हैं। अध्यात्म शक्तियों की तुलना संसार की कोई भी चीज नहीं कर सकती है, वो अलग बात है, वहां इंसान नहीं पहुंचेगा। अभी वैज्ञानिक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके तीन भाग है। उसमें एक भाग क्या कह रहा है कि इसकी कंप्यूटर की कैपेसिटी इंसान से ज्यादा बढ़ाएंगे। अरे भाई, इंसान ही तो इसको बना रहा है, इससे आगे क्या बढ़ाओगे? इंसान ही तो उसको बना रहा है, इंसान अपनी क्षमता को ही नहीं जान पा रहा है। जब पूरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और विकसित कैसे कर सकता है, वो खुद को भी नहीं कर पा रहा है। इंसान के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, बहुत शक्तियां हैं, वो उनको पूरा अपने में विकसित नहीं कर पा रहा है। इस तरह गुरु समान शिष्य में अब यहां साहब क्या कह रहे, आखिर गुरु शिष्य में कैसे समाया, आश्रय, इसकी पुष्टि तो शास्त्र भी कर रहे, साहब भी करें, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते हैं। गुरु समृत जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। नानक देव जी भी फरमा रहे, जिसका सदगुरु डाडा होवे तिसनु मार न साके कोई। यानी वो सत्ता आपके साथ है, और आपको मैं इसका प्रमाण दूंगा, आपके जीवन में नामदान के बाद कई ओकेजन, कोई ऐसे अवसर आए होंगे जब आप किसी संकट में रहे होंगे, उस संकट का निदान आप अपनी क्षमता से नहीं कर सकते थे। एकाएक एक आदर्श ताकत आती है, समस्या में आपको फंसने से पहले ही उठाकर साइड कर देती है। यानी आप एक ऑब्जर्वेशन में है नामदान के बाद, ये हल्की फुल्की बातें नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। माँ का बच्चे से अटैचमेंट काफी है, माँ बच्चे को अपने से ज्यादा तहरीज देकर पालती है, सुरक्षा देती है, लेकिन माँ को अन्य अन्य कार्य करने पड़ते हैं, बच्चे को गोद से उतार देती है, वो रेंगता रेंगता इधर उधर जाता है। माँ जानती है इसके पास उतनी बुद्धि और क्षमता नहीं है, अपनी आई ऑब्जर्वेशन में रखती है, उसको देखती रहती है, बर्तन मांज रही है देख रही है, भोजन बना रही है वो देख रही है, मुन्ना कहाँ जा रहा है। जैसे वो जान जाती है किसी संकट वाली चीज की तरफ बढ़ रहा है, दौड़ के जाती है, उसको उठाकर साइड कर देती है। पर माँ को, माँ बच्चे को ये तकाजा नहीं करती है कि देख बेटे मैंने तुझे आज बचा लिया, माँ ऐसा नहीं कर रही है। माँ अपना काम करती है, अपना कर्तव्य। इस तरह वो गुरु समृत जैसा खड़े, कमी कहते हैं दास, नाम के बाद वो सत्ता आपको बिल्कुल भी सुरक्षा दे रही है। शर्त है एक, भाई बैटरी ऑफ है तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, बैटरी चार्जिंग में रखना है। इसी पर तो साहब का शब्द बड़ा सार्थक है, गुर से सुरत राख रह जोड़ी, गुर से सुरत राख रह जोड़ी,
जस नटवा राखत हैं डोरी। जैसे नट डोरी से अपना सभी कलाएं दिखाता है, वह पूरा काम कर रहा है। साहब के एग्जाम्पल कितने सटीक है, वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहा है, तमाशा भी दिखा रहा है, पर अपनी मैन सुरती उसने अपने बैलेंस बनाने के लिए डोरी और डंडे पर रखी हुई है। सहजो भाई भी एक बात करें, दुनिया में कैसे रहना साहब करें, सभी काम करते हुए अपना मूल ध्यान गुरु शरण में रखना। सहजो जग में यो रहो, सहजो जग में यो रहो, जो जिब्या मुखमा है, घी घणो ही खात है, चिकनी कबूना। घी घणो ही खात है, चिकनी कबूना। इस तरह आप जगत में सभी काम करते अपना कंसंट्रेशन गुरु के साथ जुड़े रखना, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आप देखते हैं आपकी बैटरी कार्य करते करते डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती है, आप उसको रिचार्ज करते हैं। इस तरह गुरुश्रुति से इंसान की चेतना जागरूक हो जाएगी। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती, दिव्य दृष्टि ये होती है, आप कनेक्ट हो गए उससे। गुरु शरण में राखे ध्याना, सोपाए पद निर्वाणा, गुरु सुरती सुरधेन समाना, वहां से एक आप ऊर्जा मिलेगी। अगर आप सैटेलाइट से कनेक्टेड है ना, तब सैटेलाइट का लाभ मिलेगा, इसलिए लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, कई और चीजें होती है, इंटरनेशनल वो कनेक्शन ले लेते हैं। इसी प्रकार से लोकल एक कनेक्शन है, उससे आप बाहर कॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसी है वो ये फैसिलिटी देती है, उनको तो पैसा चाहिए ना। तो बंधुओं, इस प्रकार से आपका कंसंट्रेशन मुख्य चीज़ है। अगर प्रभु आपसे वैसे दूर है ही नहीं, मैंने एक सटीक प्रमाण दे दिया, मेरे मुँह से निकला हुआ शब्द विद इन नो टाइम, निकलने के साथ विद इन माइक्रो मिली सेकेंड में पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। मेरा ये प्रोग्राम भी पूरी दुनिया के देशों में कुछ ना कुछ जो मेरे लोग हैं वो सब देख रहे हैं, वो कमेंट भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अगर एसोसिएट हो गए हैं, इसलिए गुरुपुरा साहब बार बार ये बोल रहे हैं, दुनिया यही चीजें उठाकर नकल कर रही है। जैसे आपको मैंने दिखाया ना, सेम उसने जो अपना चैनल खोला है फेक न्यूज वाले ने, प्रोफाइल भी सेम मेरी वो रखी है, टाइटल भी सब वो रखा है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी वो रखी है, आदमी को भ्रमित करने के लिए। अब वो एक गफलत में है कि नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं, वो गफलत है, वो बहुत बड़ी गफलत है। पहले पकड़ में नहीं आते थे, अब ये पूरे पकड़ में आ जाते हैं, किस लोकेशन पर थे, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसा क्या है, वो सब आ जाता है। तो बंधुओं, इस तरह आप परमात्मा से अभिन्न है। जैसे माँ बच्चे को कोई भी संकट आए, चाहे वो अमेरिका में है, माँ को पता चल जाता है आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं, उसका अंश है। तेरा साई तुझ में है जो पहपन में बांस, तेरा साई तुझ में है जो पहपन में बांस, कस्तूरी का मृग जब फ्रे सूंघता घास। तो ये वेब्स जो आप कंसंट्रेशन करते हैं तो आपकी वो वेब्स वहां पहुंचेगी पक्का। जो गुरु बसे बनारसी दीजे सूरत पठाए, सूरत तुरी असवार है पल आवे पल जाए। फिर इस पर साहब क्या करें, सुरत जात नहीं लागत बारा। आपका ध्यान जाने, इसको टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। कितने प्यारे शब्द हैं साहब के,
सुरत से देख सकी वह देश, जाकी सुरत लाग रह जहमा। जाकी सुरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जिसका ध्यान जहां होगा वहीं पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में भी साहब कह रहे हैं, जिसकी आस लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचे वो तहवा। जाकी आस लाग रह जाए वहां, जिसकी आस जहां है वहां पहुंचेगा। बार बार क्यों करे सुध कर अंसा अपने देश, सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए। मन सयार मन सा लहर बहे खत्म न जाए। इसलिए हमेशा इस सूरत को आप जोड़े रखें, मैन एनर्जी आपकी है। आपके पास अगर टार्च है ना तो आप उसकी कुछ कैपेसिटी है, फालतू नहीं जलाते। आपके पास मोबाइल है ना, आप फालतू कॉल नहीं कर रहे क्योंकि आप कॉल चार्जेस लग रही है। आप अपना ध्यान दुनिया में फालतू मत घुमाइए। पांव पलक की सुध नहीं, अगले पल क्या होगा ये सुध नहीं है। करे कल्प की आस, लेकिन इंसान योजनाएं कल्पांतर की बनाता है। पानी माँ ही घर किया सो कस मेर मेरे प्यास, पानी माँ ही घर किया सो कस मेरे प्यास। है प्रकट पर दिसत नाही सदगुरु सैन सहारा है। नामदान के टाइम पर सबसे पहले ये ताकत आपको देता है गुरु, कि आपको उस ताकत से जोड़ देता है। जब उस ताकत से जुड़ जाते हैं तो आप में बदलाव नितान अवश्य ही होगा। नाम अपना काम करेगा ही करेगा, पर साथ में आपको परहेज भी तो करनी होगी ना। कितने सटीक शब्द हैं साहब के, सत्य नाम निज औषधि, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। अब यहां साहब कह रहे हैं दवा लेकर के परहेज करे उसकी वेदना समाप्त हो जाएगी। साहब क्या कह रहे हैं, सुरत निरथ सदगुरु पद पर से, सुरत निरस सदगुरु पद पर से, यानी पूरे कंसंट्रेट होकर के। कैसे कंसंट्रेट, कहे कबीर सुधियों राखो ज्यो सुविच डोरा। बस ये पल पल सुरत आप संभालना, इसको मन इसी को उलझाता है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है, आप अपो आप ही बंदी। आपने अगर सूरत संभाली सब चीजें आपके पास आ जाएगी। ये खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर तो रहे माए। इसलिए साहब ने अन्य योग को महत्व नहीं दिया, सूरत योग समेट दिया है पूरी आइडियोलॉजी। जो कुछ है वो सूरत है कहे कबीर विचार, और भाषा और शैली इतनी प्यारी, विचारों की अभिव्यक्ति की शैली इतनी उत्तम है साहब की, लाजवाब है। सर्वकालिक शब्दों में साहब ने उस अध्यात्म को बाहर रखा और इसका प्रभाव भी पड़ा। साहब के दोहे भजन श्लोक आज पूरे भारत पूरे विश्व में गूंजते हैं, पर कबीर साहब को सिर्फ सुनना नहीं है गुनना भी है। इसलिए अपनी वाणी में हर पद हर साखी हर भजन के बाद वो कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं कल पुनः आपसे हाजिर हो जाऊंगा साहेब की।